मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज सेंटेंस एंड इट्स काइंड। हमारा आज का टॉपिक है सेंटेंस और उसके टाइप्स। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोलते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जिससे कोई जिसका कोई कंप्लीट मीनिंग हो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, राम हैज़ अ बुक। राम के पास एक बुक है, तो इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स से देखिए शब्दों का समूह है। राम हैज़ अ बुक, राम के पास एक बुक है। इस सेंटेंस का एक मीनिंग भी है। क्या मीनिंग है? कि राम के पास एक बुक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द स्काई इज़ ब्लू। इसमें भी देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, द स्काई इज़ ब्लू। ग्रुप ऑफ वर्ड्स से ये सेंटेंस बना है और इसका भी एक कम्प्लीट मीनिंग है कि स्काई आसमान जो है वो नीला है। यहाँ देखिए एक सेंटेंस है, बुक हैज़ ए राम। यहाँ भी ग्रुप ऑफ सेंटेंस है लेकिन इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। इसका कोई मीनिंग है? बुक हैज़ ए राम, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए सेंटेंस नहीं है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी हैं लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए इसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। सेंटेंस वो है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स से बनते हैं, शब्दों के समूह से बनते हैं और जिसका कोई कम्प्लीट मीनिंग हो, जिसका कोई अर्थ निकले, उसको हम सेंटेंस कहते हैं, हिंदी में वाक्य कहते हैं, ठीक है। ए सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ फुल स्टॉप। सेंटेंस हमेशा हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं और उसके एंड में फुल स्टॉप यूज करते हैं, ठीक है। देर आर मेनली फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंस। मेनली सेंटेंस के फोर टाइप्स होते हैं, असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब हम जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। ए सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। वैसे सेंटेंस जो कुछ स्टेटमेंट देता है, कुछ कह रहा है और कुछ फैक्ट या कुछ सच्चाई बता रहा है। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, एज फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज पूरब में उगता है, ये एक सच्चाई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रवि इज प्लेइंग इन द फील्ड। रवि जो है फील्ड में खेल रहा है, यह सेंटेंस कुछ कह रहा है कि रवि जो है फील्ड में खेल रहा है। तो वैसे सेंटेंस जिसमें कुछ स्टेटमेंट दे रहा हो, कुछ फैक्ट सच्चाई बता रहा हो, उसको हम एजर्टिव सेंटेंस कहते हैं। एजर्टिव सेंटेंस भी हम दो तरह से लिखते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव की देखिए एग्जाम्पल में, जैसे कि ही इज प्लेइंग, ठीक है, आई लाइक मैंगो। और नेगेटिव में बनाएंगे तो ही इज नॉट प्लेइंग, आई डू नॉट लाइक मैंगो। वह खेल रहा है, वह नहीं खेल रहा है, मुझे आम पसंद है, मुझे आम पसंद नहीं है। तो नेगेटिव वर्ड्स, बहुत सारे नेगेटिव वर्ड्स है, जैसे नो, डू नॉट, डज नॉट, नेवर, तो इस तरह का नेगेटिव वर्ड जिसमें रहेगा वो नेगेटिव सेंटेंस, उसको हम नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव वर्ड्स जोड़कर उसको हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे नॉट हुआ, डू नॉट हुआ, डज नॉट हुआ, नेवर हुआ, नकारात्मक, ये नकारात्मक वाक्य हुआ और ये आपका पॉजिटिव सकारात्मक वाक्य हुआ, ठीक है। तो एजर्टिव सेंटेंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, वो अफर्मेटिव एंड नेगेटिव भी हो सकता है, सकारात्मक एंड नकारात्मक। देखिए उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वैसे सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, वैसे सेंटेंस जो प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन पूछता है, उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, और उसके अंत में देखिए क्वेश्चन मार्क लगा होगा, क्वेश्चन मार्क लगा होगा, उससे हम जानेंगे कि वो कोई क्वेश्चन कर रहा है, कोई प्रश्न पूछ रहा है, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट आपका है इंपरेटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ए कमांड एंड ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट और एन एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। वैसे सेंटेंस जो ऑर्डर देता है, विनती अनुरोध करता है, एडवाइस देता है, इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस, उसको हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, ओपन द डोर, ये सेंटेंस ऑर्डर दे रहा है, तो दरवाज़ा खोलो, ये ऑर्डर दे रहा है। प्लीज़ हेल्प मी, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, कृपया मेरी सहायता करो। नेक्स्ट देखिए, ऑलवेज वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग फूड, हमेशा खाने से पहले हाथ धोया करो, ये सलाह दे रहा है। तो जिस सेंटेंस में आप देखेंगे कि ऑर्डर दे रहा है,
रिक्वेस्ट विनती कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस मानेंगे। और उसमें भी देखिएगा अंत में आप फुल स्टॉप होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वैसे सेंटेंस जैसे अचानक हम देखकर अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं, अपने मन के अपने फीलिंग को हम प्रकट करते हैं, ठीक है। जैसे वाओ, व्हाट ए कार, किसी कार को देखकर हम मन के जो फीलिंग हुई, वाह क्या कार है, अपने मन के भाव को हम प्रकट किए, जो मेरे अंदर फील हुआ उसको हम दिखाए, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। देखिए जैसे यहाँ ओ दिस इज नॉट गुड, किसी कोई चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा तो उसे देख कर मैं ओ दिस इज़ नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है, थोड़ा सा दुख मुझे फील हुआ तो मैं उसे प्रकट की, तो ओ यूज़ की, ओ दिस इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। हुर्री वी वॉन द मैच, अपने मन के भाव को मैं बहुत खुश हुई, हम लोग मैच जीत गए, हुर्री वी वॉन द मैच, अपने मन के भाव को हम खुशी में प्रकट किए, ठीक है। तो वैसे सेंटेंस जिसमें अचानक हम अपने मन के अचानक किसी चीज़ को देखकर या महसूस करकर हम उसको प्रकट करते हैं, तो उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, ओके। और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।